वंदेहम श्रीगुरुश्रीपकमलम श्रीगुरून् वैश्वांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादानगति कुतोपि ध्यायां स्तुमंस्तस्य यशस्त्रिसंध्यां वंदे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महाबदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ जय गुसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ श्री विश्वनाथ चक्रतीपाद जी का, बड़े ही प्यारे आचार्य हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रतीपाद, जो कि हमारे महाजनों द्वारा कहे जाते हैं कि वो श्री रूप गोस्वामी जी के अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सरस ग्रंथ दिए हैं और श्रीमद् भागवतम की बड़ी ही सरस व्याख्या की है, सारार्थ दर्शनी व्याख्या, और बहुत ही प्यारे ग्रंथ हैं। आपने श्री माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ ही सुना पढ़ा तो वहाँ सिद्धांतों को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उकेरा है, दिखाया है। आज एक बहुत प्यारा ग्रंथ हम ले रहे हैं उनका, और वह है श्री प्रेम संपुट। प्रेम संपुट तो हमारे प्यारे श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के तकरीबन 250 वर्ष बाद बड़े महाजन प्रकट हुए, अनेक महाजन, तो उनमें श्री विश्वनाथ चक्रतीपाद एक बड़े ही अन्यतम महाजन हमारे आचार्य, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो अनर्पित चरी अवदान दिया है हमें, श्री राधा दास्यम, उस राधा दास्यम को और भी सरल बनाने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि राधा दास्यम क्या है, राधा रानी का भाव क्या है, महाभाव क्या है, प्रकृति क्या है, उनका प्रेम क्या है, क्योंकि वो तो प्रेम स्वरूपणी है, भाव महाभाव स्वरूपणी है, लेकिन वो प्रेम है क्या? ये प्रेम जो कि वेदों के भी अगोचर है, शास्त्रों के अगोचर है, ये प्रेम जो कि हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि जो वात्सल्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, इन समस्त भावों के भक्तों के अगोचर है, तो ऐसा प्रेम एक संपुट के रूप में, संपुट के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। संपुट माने एक ऐसा कोश जिसके अंदर बहुत कीमती चीज़ रखी जाती है, महाकीमती चीज़ है ना, जिस पर किसी की नज़र ना पड़े, तो ये वो प्रेम संपुट। प्रिया जी के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, जिसकी खबर श्री कृष्ण को भी नहीं,
वो प्रेम रखा है उस एक संपुट के रूप में, उस प्रेम संपुट का मानो उन्होंने उसे खोल दिया है, उस प्रेम संपुट को। और प्रिया जी के हृदय में जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, और जो प्रेम का वस्तुतः स्वरूप है ना, हम सोचते हैं राधा रानी श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती हैं, परंतु वो प्रेम है किस प्रकार का श्याम सुंदर खुद नहीं जान पाए। वही जानने के लिए तो उन्हें गौरांग महाप्रभु होना पड़ा। अब गौरांग महाप्रभु हो करके वो तो जान पाए कि प्रिया जी के प्रेम की कितनी अनंत असीम सीमा है, कि उनका जो श्री विग्रह है, उनका जो शरीर है, वो ले ही नहीं पा रहा है इस प्रेम के, इस सात्विक विकार को झेल ही नहीं पा रहा है, क्या दशा हो जाती है? लेकिन महाप्रभु ने आस्वादन किया, पर एक एक भक्त उसका आस्वादन, वो उस रहस्य को नहीं जान पाया इस हद तक। तो श्रील विष्णु चक्रतिपाद जी प्रिया जी के हृदय में अवस्थित जो कृष्ण प्रेम है उसे प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि वो नित्य सिद्ध मंजरी हैं प्रिया जी की। तो मंजरियों के अलावा ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता है, इसीलिए रूप जी को आना पड़ा महाप्रभु के साथ में, वो कितना कुछ उद्घाटित कर गए हैं। तो श्रील विष्णु चक्रतिपाद जो है, श्री भगवान का जो निगूढ़ संपद है, ये जो प्रिया जी का कृष्ण प्रेम, वो हमें बता रहे हैं इस ग्रंथ के द्वारा, अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम के जो एकमात्र विषय हैं वो हैं श्री कृष्णचंद्र, और तो कोई नहीं है ना प्रेम का विषय भगवान के अलावा। लेकिन वो स्वयं नहीं जानते हैं कि प्रिया जी के ये प्रेम का स्वरूप क्या है। वो उससे अवगत होने के लिए इतने ज्यादा बेचैन हो गए हैं, इतने बेचैन हो गए हैं कि ये प्रेम क्या है, प्रिया जी आपका प्रेम क्या है, मैं जानूं तो उन्होंने एक कौतूहल किया है, एक नाटक रचा। और वो नाटक ये रचा कि वो बन गए एक रमणी, एक रमणी का स्वरूप, एक युवती का स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने, बड़ी ही सुंदर युवती बन गए। अब श्याम सुंदर क्या नहीं बन सकते, अरे जब मोहिनी बन करके सबको ठग लिया, क्या देव क्या असुर कोई पता नहीं लगा पाया, तो वो श्याम सुंदर जब एक स्त्री वेश में आएंगे तो प्रिया जी भी कैसे पता लगा पाएंगी है ना, जब तक कि वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा कृष्णमयी हैं, उन्हें महसूस होगा तो भी नहीं समझ पाती हैं और कई बार समझ भी जाती हैं, इनकी चोरी पकड़ी जाती है। लेकिन इस बार बहुत गंभीर अवस्था में हैं श्याम सुंदर कि नहीं, मुझे जानना है कि किशोरी जी के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वो है क्या। तो रमणी बन करके आ गए। सुबह सुबह देवांगना वेशधारी कृष्ण, देवांगना राधा रानी के आंगन में आ गए, भवन के प्रांगण में आ गए और अपना अपनी साड़ी से, अपने आंचल से अपना शरीर खूब अच्छे से ढक करके, अपना मुख ढक करके, घूंघट घूंघट निकाल के आ गए, और बड़ी ही लज्जा पूर्वक वहां बैठे हैं, चले आए हैं, और बड़े ही गंभीर हैं। मौन धारी युवती, जितना बुलाओ उनसे तो बोले ना, चुप, एकदम मौन धारी। और प्रिया जी उनका मौन अवलंबन देख करके बहुत प्रयास कर रही हैं कि इनका मौन टूटे, ये बताएं ये कौन है। कभी उनके रोगों का निराकरण कर रही हैं, कभी स्वयं कहती है मैं तुम्हारे अंग का मालिश करूंगी उस तेल से जो हमारे पिताजी ने दिया है, बहुत कुछ बोल रही हैं बेचारी कि भाई कुछ बोलो तो, तुम इतनी दुखी क्यों हो, चुप क्यों हो, या चुप क्यों हो तुम, वो भी बहुत स्तंभित हैं ये चुप क्यों है। तब अपने उन्होंने देखा जब राधा रानी का ये भाव है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे अंदर कुछ प्रश्न है और मुझे उसका उत्तर चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो वो जो श्री कृष्ण जो देवांगना रूप में हैं, उन्होंने अनेकानेक दोषारोपण किए श्री कृष्ण के ऊपर,
स्वयं के ऊपर दोषारोपण किए, खूब दोष दिखाए उनके, ये देखने के लिए कि प्रिया जी क्या सोचती हैं इन दोषों के बारे में और सबके बारे में, और श्याम सुंदर के प्रति क्या है, बहुत हिला रहे हैं प्रेम को उनका कि ये हट जाए ये प्रेम, इतना दोष दिखाएंगे, कोई आकर जो है कुछ भी गलत बात बोलने लगे रोज़ या इतने अच्छे तरीके से बोले, तो एक बार तो संदेह आएगा ना मन में कि सही बात है, कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये भी बोल रही है, और भी कई लोगों से सुना, लेकिन नहीं। तो क्या उत्तर देती हैं किशोरी जी देवांगना रूपी श्याम सुंदर के उन दोषा, जो दोषारोपण है उसका, यही उत्तर है प्रेम संपुट। तो हम लोग जो है, क्योंकि संपुट का मतलब यही है कि जहाँ हम अलंकार वगैरह संरक्षण रखते हैं, कीमती चीज़ों को रखते हैं, बहुमूल्य रत्न को रखते हैं ताकि लोग ना देख पाए, तो शिला विश्वनाथ चक्रतिपाद जी उसी प्रेम संपुट, जो कि बहुत ही गुप्त रूप से प्रिया जी के हृदय में छिपा हुआ है, उसका उसको प्रकट कर रहे हैं। तो हम लोग संस्कृत के समस्त श्लोकों को नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो भी इनके अनुवाद हैं उसका आस्वादन करेंगे ताकि एक लय बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी कि प्रीति का, प्रेम का एक असाधारण स्वभाव ये है कि अपनी प्रेमिका के मुख से नायक प्रीति का अपकर्ष और नायिका की प्रीति का उत्कर्ष श्रवण करने की लालसा युक्त हो जाता है। ये एक प्रेम का स्वभाव है कि नायक चाहता है जो नायिका ये बोले कि नायक की प्रीति जो है ना वो ठीक नहीं है, मेरी प्रीति बहुत अच्छी है ना, तो नायक की प्रीति का अपकर्ष और नायिका की प्रीति का उत्कर्ष, है ना, कितना अच्छी प्रीति है, कितना प्रेम करते हैं, वो सुनना चाहते हैं। तो ये जो रसा स्वाद लंपट हमारे श्री कृष्ण हैं, इनको हर तरीके के रस लेने आते हैं और ये रसिक शेखर हैं, रसोभय सह हैं, तो इनको एक ये भी कौतुक सूझा रस लेने का कि मैं जानूं कि किशोरी जी मेरा कितना, मेरी प्रीति का कितना अपकर्ष स्थापित करते हैं, यानी किशोरी जी के हृदय में भी मेरे प्रति कोई ना कोई जो है, कोई ना कोई वो दोष तो देखती होंगी किशोरी जी मेरे अंदर, तो वो समस्त छिद्र, वो समस्त चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कितना प्रेम करती हैं। तो इसी स्वभाव के वश एक सुबह प्रातःकाल एक मनोहारिणी अपूर्व सुंदरी का वेश धारण करके श्याम सुंदर वृषभानुनंदिनी श्री राधिका के घर के प्रांगण में उपस्थित हुए, आंगन में, बाहर में उपस्थित हुए, परिसर में, और अपने लाल रंग के कपड़ों के आंचल के द्वारा अपना मुख ढाक लिया, बदन कमल ढका हुआ है पूरा, और नयन कैसे हैं, बड़े ही लज्जा से भरे हैं, लाज से भरे नयन हैं, नीचे देख रही हैं और चुपचाप खड़ी हो गई वहां पर। श्री रास रजनी में, देखिए विश्वनाथ चक्रतिपाद जी क्या बात कहते हैं कि श्री रास रजनी में कालिंदी तट पर स्थित गोपियों के सभाओं में, सभा में जब श्याम सुंदर ने कहा था, जब वो चले गए थे ना गोपिकाओं को छोड़कर, रास से अदृश्य हो गए फिर दोबारा आ गए थे, तो गोपियों ने कहा था कि आपका ये प्रेम कैसा है, हमें छोड़ के चले गए, आप बताओ किस प्रकार के व्यक्ति हो चार तरह के लोगों में, तो भगवान ने बोला था ना पारे अहम निर्बद्ध संयोजाम, भगवान ने कहा था भाई मैं गोपियों तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता, तो मगर ये प्रेम है कैसा, खुद भी जानूं, जानता तो हूँ लेकिन दुनिया नहीं जानती है कि प्रेम कैसा है, प्रिया जी का प्रेम कैसा है, ये साधारण आदमी औरत का प्रेम तो है नहीं, तो ये प्रेम की अपूर्वता क्या है, ये प्रेम की, ये प्रेम कैसे अद्भुत है, ये कैसे इतनी ताकत रखता है कि श्री कृष्ण जो कि किसी का ऋण नहीं रखते हैं, रख ही नहीं सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपका ऋण ही नहीं चुका सकता, तो ये प्रेम की प्रकृति कैसी है, इसको बताने के लिए श्याम सुंदर एक
सुंदर रमणी का रूप धारण करके उपस्थित हुए हैं। और निसंकोच भाव से प्रणय मान से उत्थित गर्वमय भाषा श्रवण करने की लालसा है। निसंकोच भाव से बोलेंगी किशोरी जी अब तो एक सखी से, लेकिन श्याम सुंदर से थोड़ी ना बताएंगी कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कैसा है। बड़ा निसंकोच भाव होगा, तो वो क्या भाव है, वो क्या क्या उद्गार प्रकट करेंगी, कैसे रहस्य प्रकटित करेंगी, वो सुनने की बड़ी लालसा है। तो बाद में श्री कृष्ण को, जो कि रमणी वेश में है, स्त्री वेश में है, उनको दूर से देखा वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी ने, और अपनी प्रिय सखी श्री ललिता जी को उन्होंने कहा, अरे सखी ललिते देख 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 तो वो रमणी कौन है, कौन आई है। अरे इसके मुख कमल की कांति तो कमल की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, और कितने विचित्र अलंकारों से ये विभूषित है, श्याम सुंदर के लिए क्या मुश्किल है। ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि प्रिया जी भी देखती रह गई, और अपनी श्यामंग कांति की छटा से, क्योंकि सांवली थी, गोरी बन के नहीं गई हैं, सांवली बन के ही गई हैं, अपनी श्यामंग कांति की छटा से हमारे घर के प्रांगण को इन्होंने उजियाला कर दिया, प्रकाशित कर दिया है। ये कौन आई है देख तो, ऐसा लगता है जैसे समग्र भवन जो हमारा पूरा घर है वो इंद्र नील मणि से मंडित हो गया है, ऐसी छटा है इनके शरीर की, कितनी सुंदर है, कौन है। तो ललिता विशाखा अपनी प्रिय सखी श्री राधा रानी के वाक्य को श्रवण करके अति शीघ्र नारी वेशधारी श्री कृष्ण के सम्मुख गमन करने लगी, और वहां पहुंच के बोली, अरे कृष्णोदरी, कृष्णोदरी माने जिनका पेट पतला होता है, कमर बहुत पतली होती है, कृष्णोदरी, अरे कृष्णोदरी तुम कौन हो और कहां से आई हो, पूछ रही है, तुम यहां आई क्यों हो, क्या प्रयोजन है, क्योंकि तुम कुछ विशेष दिखती हो, ऐसा अपूर्व रूप इस जगत की तो हो नहीं, कहां से आई हो। तो अब हमें तुम हमारी इस बात का उत्तर दो, ताकि हमारा जो कौतूहल जागृत हो रहा है तुम्हें देखकर वो दूर हो। लेकिन वो रमणी चुप रही। उस रमणी ने ललिता विशाखा की किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया, है ना। जब सखियों ने इतना प्रश्न पूछ लिया और वो निरुत्तर रही, तो श्री राधा रानी भी सोचने लगी, क्यों आई है ये, क्यों आई है। वो खुद भी आ गई सोचते सोचते कि मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। आके पूछी, सुंदरी तुम कौन हो, बताओ तो, तुम्हारी अंग शोभा हमारे चित्त का अपहरण कर रही है। एक ही बात याद रखिए, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, और शक्तिमान अगर पास में हो तो फिर शक्ति शक्तिमान की तरफ खींचेगी ही। श्याम सुंदर किसी भी रूप में आ जाएं, प्रिया जी द्रवित होंगी, है ना। तो वो स्थिर नहीं रह पा रही हैं किशोरी जी की, ये रूप मुझे इतना खींच रहा है, और बोलती हैं, क्या तुम कोई देवकन्या हो, स्वर्ग से उतरी हो क्या, स्वर्ग से आई हो, कोई देवी हो, तुमको देखकर ऐसा लगता है जैसे अखिल शोभा, इस जगत की अखिल शोभा ने एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया है और वही यहां चली आई है। शोभा हो तुम इस जगत की, और एक मूर्ति रूप में यहां चली आई हो, इतने सुंदर हो। लेकिन तो भी उस रमणी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो चुप रही। श्री राधिका फिर से बोलने लगी, अरे भावनी यदि तुम यहां आई ही हो तब तुरंत अपना परिचय दे ही दो, हमारी उत्कंठा
समाप्त करो, हम बहुत उत्कंठित हैं यहाँ तुम आई हो। अरे लज्जाशीले, हमारे निकट तुम्हारी लज्जा या शंका का क्या कारण हो सकता है? कोई कारण ही नहीं, हमें तुम अपनी अंतरंगा सखी समझ लो। हम तुम्हारी अंतरंगा सखी हैं, इसलिए तुम्हारी लज्जा का कोई कारण नहीं है, तो लज्जा मत करो। तो श्री राधा रानी का इस तरह का वाक्य सुनकर रमणी वेशधारी श्री कृष्ण लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे और एक अनिर्वचनीय अभिनय करने लगे कि जो किसी की समझ में ना आए, और प्रिया जी की तरफ से अपना मुख कमल फिरा लिया, ऐसे कर दिया और चुप हो गए, देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। श्री राधा रानी ने जब उस रमणी की यह अवस्था देखी तो बोलने लगी, सुंदरी तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे हृदय में निश्चित रूप से कोई पीड़ा है, खुलकर कहो, मुझे तो बताओ क्या पीड़ा है, नहीं तो तुम्हारा ये भाव नहीं होता, कोई तो वेदना है जो तुमने छुपाई हुई है अपने हृदय में, मुझे बताओ। हे पद्मानने, हे पद्म मुख वाली, कमल मुख हुई, तुम्हारी वेदना की बात तुम हमसे अकपट रूप में प्रकाशित करो, कुछ छुपाना मत, सब कुछ बता दो हमें। तुम हम पर पूर्ण विश्वास कर सकती हो, तुम्हारे दुख के निवारण के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी और ये भी देखूंगी कि मेरे उस प्रयास में कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, है ना। फिर कहती हैं, देखो हे सुंदरी, ये जो हृदय में जो दुख पैदा होता है ना, वो फफोला बन जाता है, फफोला, और वो जो फफोला है वो बड़ा ही दुख देता है, कष्ट देता रहता है, फफोला बड़ा घातक होता है। तो तुम वो जो असहनीय यातना भोग रही हो, वो अगर तुम अपनी किसी अंतरंग सखी के निकट प्रकाशित करोगी तो तुम्हारे इस दुख का उपशम होगा, ये दुख समाप्त हो जाएगा। तो मैं तुम्हारी सखी हूँ, तुम बोलो, तुम यहाँ आई हो तो कोई ना कोई तो वेदना है जो तुमको सता रहा है, है? कोई कष्ट है जो सता रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अभी अभी अपने प्रियतम से जुदा हुई हो, विरहिता हो? क्या तुम अपने प्रिय से जुदा हो गई हो, अलग हो गई हो, इसलिए तुम इतनी दुखी हो? क्योंकि इससे बड़ा दुख एक रमणी के लिए कोई हो ही नहीं सकता कि वो अपने प्रिय से अलग हो गई। या फिर तुमने उस प्रियजन में कोई दोष देख लिया है इसलिए बहुत दुखी हो और तुम बहुत चुप हो? या फिर तुमसे कोई भयंकर अपराध हो गया है और तुम्हें ये भय लग रहा है कि उस अपराध को जानने पर तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे प्रति बड़े रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम भयभीत होकर के यहाँ आई हो? देखो कितने कितने, और ये सब प्रिया जी के अपने हृदय में चलता रहता है, ये सब उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम सिंधु है उसी की ये तरंग है जो वो आरोपित कर रही हैं। या तुमने शायद स्वयं कोई अन्याय नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कोई दुष्ट व्यक्ति तुम्हारे प्रति तुम्हारे कांत के पास जाकर कुछ गलत बात बोल दिया है, तुम पर किसी ने मिथ्या आरोप लगाया है और तुम्हारा कांत क्रोधित हो गया है, इसलिए तुम दुखी हो? क्योंकि वो चाहता है, वो लोग चाहते हैं, दुष्ट लोग, कि तुम्हारे कांत के साथ तुम्हारी प्रीति नष्ट हो जाए, क्योंकि ये सब राधा रानी झेल चुकी हैं, तो ये सब उनके हृदय से उठ रहा है कि ये भी संभावना हो सकती है, इसलिए दुखी हो, इसलिए चुप हो, इसलिए गंभीर हो। या फिर जिन्होंने तुमसे ब्याह किया है वो बड़े मंद और दुर्भाग्यशाली हैं और तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे हृदय में उनके प्रति घृणा भाव आ गया है, इसलिए तुम दुखी हो?
तुम्हारे लायक नहीं है वो, इसलिए दुखी हो? या फिर कोई एक परम श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम्हारा चित्त आसक्त हो गया है और उस प्रेम के भार को तुम वहन नहीं कर पा रही हो, इसलिए तुम दुखी हो? सब कुछ प्रिया जी अपनी ही कहानी बता रही है ना, इसलिए दुखी हो? हाय हाय, मैं जिस प्रकार अपने मंद तिरस्कार पटु गुरुजनों द्वारा तिरस्कृता होती रही हूँ, मंद यानी जिनमें बुद्धि कम है, ऐसे मेरे गुरुजन सास ससुर जटिला कुटिला ये सब, पति सब, हमारा परकीय भाव है, ठीक है, तो जैसे वो इतना तिरस्कार करते रहते हैं मुझे हर समय, हो सकता है तुम्हारे गुरुजन ने तुम्हारा ऐसा ही तिरस्कार किया हो, इसलिए तुम दुखी हो? तुम ये बताओ, इस प्रकार तुम शोक से एकदम भरी हुई हो, ऐसा क्या कारण है? तुम कुछ तो बताओ, अब इतना कुछ, इतनी संभावनाएं पूछ रही हैं प्रिया जी, ये हुआ है कि ये हुआ है या वो हुआ होगा, नहीं तो वो हुआ होगा, अब कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो हुआ होगा, सारी संभावनाएं दुनिया भर की पूछ ली, एक रमणी क्यों उदास हो सकती है, यही संभावनाएं हो सकती हैं। तो रमणी वेशधारी श्री कृष्ण अभी भी चुप, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे ना, हाँ ना ना। तो श्री राधा रानी अब और भी आशंका कर रही हैं, और भी प्रश्न पूछ रही हैं, कह रही हैं, अरे सुंदरी, क्या तुम्हारी कोई सौत अपने सौभाग्य पर मत हो करके इतनी गर्विता हो गई कि उसने अपनी उस दुर्बुद्धि से तुम्हारे पर कटाक्ष बाण फेंके, उसने कटाक्ष किया, उसने व्यंग्य मारा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कोई सौत यानी तुम्हारा पति या तुम्हारा प्रेमी किसी को पसंद करता हो, उसने अपने सौभाग्य पर गर्व हो करके तुम्हें खरी खोटी सुनाई और तुम्हारा मर्म जर्जरित हो गया, इसलिए तुम दुखी हो? ये सब प्रिया जी के साथ होता है, चंद्रावली की सारी सखियां जो हैं ना जाने क्या क्या कहती बोलती रहती हैं, सब सहती हैं, तो अपनी सारी संभावनाएं जो उनके ऊपर जो कुछ गुजरता है सारी सारी घटनाएं वो सब उन सब को आरोपित कर रही हैं उस देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के ऊपर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी कोई सौत होगी, क्योंकि जगत में तुमसे अधिक सौभाग्यशालिनी कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए लगता नहीं है कि तुम्हारी कोई सौत होगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी समस्त गुण सर्व सद्गुण संपन्ना स्त्री को परित्याग करके कोई दूसरी स्त्री से कभी विवाह कर ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए ये प्रश्न तो निराधार है, विकार है, खुद ही बोल रही हैं उनका रूप देख के। अरे चंद्रमुखी, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, अरे चंद्रमुखी, प्रिया जी बोल रही हैं, हमारी जो भगवती हैं पूर्णमासी देवी, हमने उनके श्री मुख से सुना है कि मोहिनी नाम के श्री भगवान के एक अवतार हुए हैं, जानती नहीं है, अब जो पूर्णमासी जी बता देंगी, वो सुना है ना, तो उन्होंने अपने असामान्य रूप लावण्य से महादेव तक को विमोहित कर दिया था। ये बताओ, तुम क्या वही मोहिनी हो? है तो वही मोहिनी, लेकिन वो बताएंगे कि मैं वही मोहिनी हूँ? अच्छा, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, अगर श्याम सुंदर सर्वज्ञ तो ये भी तो सर्वज्ञ है, पर वही है, नरवत लीला है, तो दोनों में से कोई सर्वज्ञ नहीं है, पूर्णमासी सर्वज्ञ है। तुम्हारी इतनी रूप राशि लेकर किसको मोहित करने के लिए यहां पर आई हो, अचानक आई हो, किसे मोहित करना चाहती हो? हृदय में एक है आशंका, यहाँ तो मोहित करने वाले एक कृष्ण है, कृष्ण को ही मोहित किया जाता है, वही प्रेम के पात्र हैं, वही प्रेम के विषय हैं, तो बता दो
उस समय तो तुमने महादेव को विमोहित किया मगर स्वयं मुग्ध नहीं हुई। अरे मोहिनी थी ना तुम, तो मोहिनी के रूप में तुमने महादेव को तो विमोहित कर दिया पर महादेव के रूप से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम अपना शांत रही, महादेव विमोहित हो गए। किंतु अब मैं तुम्हें बताऊं एक रहस्य की बात। क्या रहस्य की बात? तुम्हारे कटाक्ष बाण से बिद्ध होकर श्री हरि यदि तुम्हारी तरफ कटाक्ष फेंकेंगे तब तुम मुग्ध हो जाओगी। तुम्हारी मुग्धता ऐसी होगी तुम सोच नहीं सकती। कैसी होगी मुग्धता बताऊं? बताती हूं। देखो तुम्हारे और हमारे नागरेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण के रूप की कोई तुलना ही नहीं। तुम कितनी सुंदर हो मगर हमारे श्याम सुंदर भी बहुत सुंदर हैं। वही अंतर बाहिर कृष्ण स्फुरे, कृष्ण प्रेममयी। प्रिया जी ऐसे कृष्ण प्रेममयी हैं, अंदर बाहर सिर्फ कृष्ण ही स्फुरित होते हैं और कुछ स्फुरित नहीं होता। तो कृष्ण सुख के लिए ऐसी छटपटाहट है प्रिया जी के हृदय में कि वहाँ कोई ऐसी ईर्ष्या नहीं है कि एक अधिकार होगा मेरा कृष्ण पर। वो कृष्ण को सुखी करना चाहती है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन किया है ना प्रिया जी के भाव का, जहाँ वो बोलती हैं कि जे नारी पाइले श्री कृष्ण, जे नारी के देखे श्री कृष्ण हौन तृष्ण सतृष्ण, अमितार पाए पड़ी, मैं उनके चरण पढ़ूंगी, चरण में पढ़ के मैं उनको लेकर के आऊँगी श्याम सुंदर के लिए ताकि श्याम सुंदर की सेवा करके उन्हें सुखी कर सकें। इतना कहती हैं। अब इनको देख के सोच रही हैं कि ये श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए एकदम योग्य हैं। तो कह रही हैं कि हमारे नागरेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण की और आपके रूप की कोई तुलना नहीं है, दोनों का रूप बड़ा ही सुंदर है, जिसके दर्शन के द्वारा तुम और वो दोनों ही अपने गांभीर्य का त्याग कर देंगे, दोनों की चुप्पी टूट जाएगी। दोनों जब एक दूसरे को देखोगे ना, श्याम सुंदर तुम्हें देखेंगे, तुम श्याम सुंदर को देखोगी, तो तुम दोनों का मौन टूट जाएगा, मौन रहेगा ही नहीं, और तुम दोनों परस्पर के प्रति आकृष्ट हो गए। इस प्रकार तुम दोनों की परस्पर की मुग्धता देख करके एक अपूर्व कौतुक रस का आविर्भाव होगा। कितना आनंद आएगा जब तुम श्याम सुंदर को देखोगी और श्याम सुंदर तुम्हें देखेंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और ये दृश्य मैं देखूंगी, तो कितना आनंद आएगा। आहा देखिए प्रेम की लहर कैसे उठ रही है, श्याम सुंदर के सुख की लहर प्रिया जी के हृदय में, जो श्याम सुंदर की प्रेम का जो सिंधु है उसकी लहर कैसे उठ रही है। इस प्रकार उत्सुक चित्त से श्री राधिका के श्री मुख पद्म से निकले मधुर वाक्य सुधा का पान करते करते देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के चित्त में एक प्रकार के संभोग रस का आस्वादन आने लगा। श्याम सुंदर हैं, उस मिलन रस का आस्वादन आ रहा है, और वो मिलन रस का आस्वादन ये आ रहा है कि श्याम सुंदर प्रिया जी ही के बारे में सोच रहे हैं, देवांगना रूप में भी प्रिया जी के बारे में सोच रहे हैं कि प्रिया जी के मिलन से कैसा आनंद आएगा। तो तुरंत उस आस्वादन का लक्षण उनके श्री विग्रह पर प्रकटित हुआ कि वो रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए, पुलक ही पुलक। अब वो भयभीत हो गए कि किशोरी जी मेरा ही पुलक ना देख ले। तो श्री राधा रानी ने देखा, अरे ये तो अपना देह ढक रहे हैं, लगता है इनको कोई बीमारी है, ये नहीं चाहते कोई बीमारी है तो मुझे दिखाएं अपनी देह। तो अनुमान करते हुए बोलने लगी, सखी क्या तुम्हारी देह में कोई बीमारी है, कोई चर्म रोग है क्या, छुपा रहे हैं ना। कोई चर्म रोग हो तो बताओ, मैं इलाज करूं। तुम्हारे वक्ष में या पीठ में या मस्तक में
क्या कोई व्यथा है, दर्द हो रहा है क्या? श्री राधा रानी इस प्रकार उनकी व्याधि का अनुमान करते हुए अपनी सखी विशाखा को बोली, सखी विशाखे, मेरे पूजनीय पिताजी ने मेरे प्रति बड़ी ही वात्सल्यवश सकल व्याधि विनाशक, समस्त बीमारियों को समाप्त करने वाले वाला एक बहुमूल्य तेल मुझे भेजा है, वो मुझे दिया है, वो घर में रखा हुआ है, तो तुम जल्दी जाओ और उसे जल्दी से मेरे पास लेके आओ, मैं अपने हाथों से इसके सारे देह में लगा के मालिश करूंगी तो इससे मेरा तेल भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि इतनी सुंदरी है ये, श्याम सुंदर के सुख का उपकरण हो सकती है। कारण प्रीति का स्वभाव ये कि प्रियजन के द्वारा दी गई वस्तु अगर उसको हम व्यवहार में लाएं तो लगता है कि वो वस्तु सार्थक हुई, है ना, बड़े प्यार से दी गई वस्तु लगता है ये सार्थक हुई, इन्होंने व्यवहार किया, है ना, कुछ लोग अनुभव कर पा रहे हैं इस बात को। तो हे सखी विशाखे, मैं जो है ना, ये जो नवागता सखी है, ये जो नई नई आई है, मुझे पता नहीं क्यों इसे बड़ा प्रेम सा हो रहा है, तो मेरे प्रति मेरे पिता का जो स्नेह है वो तेल के रूप में मूर्तिमान होकर के मेरे घर में रखा है। मेरे पिता का स्नेह मानो तेल के रूप में मूर्तिमान हो गया है, पिता ने इतने प्यार से दिया है, तुम ले आओ, मैं इसके समस्त अंगों पर जो है उस सर्व रोग हर तेल को मल दूंगी अपने हाथ से, तब इसके शरीर की सारी व्यथा, समस्त दर्द पीड़ा दूर हो जाएगा, और फिर मैं अतिशय पवित्र भाव से और पवित्रता के साथ इसके मस्तक पर तेल मर्दन कर दूंगी तो इससे सारी बीमारियां चली जाएंगी। तो मेरे पास है, इलाज है, ले आओ। तो और हाँ सुनो, तुम ऐसा करना, थोड़ा गरम जल भी ले आना और उसके अंदर सारी सुंदर सुंदर सुगंधी डाल देना जो समस्त रोगों को शांत कर देती हैं, वो जल ले आओ, उसके द्वारा मैं इसको अच्छी तरह से स्वयं स्नान कराऊंगी और इसकी सारी व्यथा दूर करके इसका मुख कमल उल्लसित करूंगी, तब ये मेरे साथ जरूर बात करेगी। प्रिया जी के हृदय में देखो कितनी उत्कंठा है। तो इस तरह से प्रिया जी ने अनेक उपायों से प्रयास किया है कि वो जो देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण हैं वो कुछ तो बात करें, कुछ तो बोलें। अब लेकिन बोल रही हैं, हे सखी वृंद, मैंने इतनी कोमल मीठी मीठी बातें कही और मैं स्वयं ये बात भी बोल रही हूँ कि मैं स्वयं तेल मर्दन आदि कर दूंगी, और अकपट स्नेह के साथ मैंने कितना प्यार जताया, लेकिन इनके मुख से मैं कुछ भी बात नहीं सुन पा रही हूँ, ये फिर भी चुप हैं। ये कपटता पूर्वक अपनी बीमारी की बात प्रकाशित नहीं कर रही हैं और बड़ी ही दुखी हो करके, बहुत ही दुखी हो करके बैठी हुई है। ठीक है, अब मैं इस सुंदरी के रोग का एक अपूर्व चिकित्सा करूंगी। अपूर्व चिकित्सा क्या है? अपूर्व चिकित्सा है, क्या बोल रहे हैं, जैसे जो धन्वंतरी जी हैं, धन्वंतरी जी है ना आयुर्वेदाचार्य, भगवान के अवतार, तो वो बड़े ही दिव्य रस देते हैं, अनेक रस देते हैं, बड़ी रस रूपी औषधि देते हैं, आयुर्वेद की औषधियों से उपचार करते हैं और समस्त रोगों को भगा देते हैं। ऐसे ही मैं ऐसी चिकित्सा करूंगी इनकी, क्या चिकित्सा करेंगे देखो, ऐसी चिकित्सा करूंगी कि इसके देह, इसका प्राण, इसके मन और इंद्रियां, सब की व्याधि, सबकी बीमारियां
तुरंत शांत हो जाएंगी। विशेषतया इसकी देह बड़ी पुष्ट हो जाएगी, ताकत आ जाएगी। क्या करेंगी? देखो सखियों, मैं एक अभिनव, एक अपूर्व चिकित्सा की बात कहती हूं, मेरी बात सुनो। देखो, हमारे कुंज के अधीश्वर श्री कृष्ण के कर कमल यदि इसके वक्ष स्थल को पूरी तरह से स्पर्श करेंगे, तब ये जो इस समय बोल तक नहीं पा रही है, इसके मुंह से बात तक नहीं निकल रही है, और ऐसी असाध्य बीमारी से ये ग्रस्त होकर के यहाँ पर आई है, तब ये जानते हो क्या करेगी? क्या? तब ये हंसने लगेगी, बातें करेगी और सीतकार भी करेगी, है ना? अर्थात रसिक शेखर श्री कृष्ण के हाथों के स्पर्श से इसको इतना सुख अनुभव होगा कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं बोले जा सकते, अव्यक्त हैं सारे शब्द, प्रिया जी के सब अपने भाव हैं। और क्या कहूँ, और होगा जब श्री कृष्ण इसे स्पर्श करेंगे तो इसके देह पर एक अभिनव कांति धारा प्रवाहित होने लगेगी, और उसे देखकर हम पुष्ट होंगे और हम खूब हंसेंगे कि देखो कैसे बीमार बीमार होके आई थी और श्याम सुंदर के स्पर्श के बाद कैसी पुष्टि इसने प्राप्त की है। हम हंसेंगे, हैं? अर्थात इसके देह पर श्री कृष्ण के मिलन से जो समस्त रति चिन्ह उत्पन्न होंगे और उनके स्पर्श से जो इसके शरीर पर अत्यंत अद्भुत लक्षण प्रकाशित होंगे, वो हमारे आनंद का कारण बनेंगे। तो ऐसी चिकित्सा करूंगी कि ये भी ठीक हो जाएगी और हमें भी आनंद आएगा। ये अपूर्व चिकित्सा है, कृष्ण के पास भेजो। सही बात है, समस्त रोग को वही शांत करते हैं, है ना? समस्त वासनाओं को, अन्य वासनाओं को वही हटा सकते हैं। मुरारी मुकुंद गोविंद, और किसी के बस की बात नहीं है। हम जैसे भव रोगियों का रोग वही दूर कर सकते हैं, तो सारे रोग वही दूर कर सकते हैं। दिव्य दिव्य रोग भी वही दूर कर सकते हैं। दिव्य लोगों के दिव्य रोग जो हमारी समझ के परे हैं वही दूर कर सकते हैं। तो प्रिया जी के समस्त वाणी को सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के मुख पर मंद हास्य उत्पन्न हुआ, लेकिन उसको छुपाने के लिए उन्होंने अपना मुख कमल नीचे कर लिया और क्योंकि मुख नीचे हुआ तो उनकी जो अलकावली है वो भी ऊपर से नीचे पतित हो गई। तो अपनी वाम हस्त कमल की मनोहर उंगली द्वारा उसको उन्होंने हटाया और मस्तक में जो घूंघट यहां तक था उसे थोड़ा ऊपर किया। अब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण एकदम स्त्रियों के कंठ स्वर की नकल करते हुए बड़ी ही मधुरिमा के साथ कुछ वाक्य रूपी अमृत वर्षित करने लगे, कुछ बोलने लगे। श्री राधिका सखियों सहित चकोरी की तरह उत्सुक चित्त से वो समस्त वाक्य सुधा पान करके परमानंद प्राप्त करने लगी, क्योंकि इतनी त्रिषित हो गई ना। श्याम सुंदर वहाँ चुप बैठे हैं, परंतु वो तो जानती नहीं कि श्याम सुंदर हैं। वे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कैसे बुलवाऊँ, कैसे चुप बैठी है, और अब कुछ बोल रही हैं और चमत्कृत हो गई। श्याम सुंदर के वाक्यों से जिस प्रकार का आनंद प्रिया जी पाती हैं सदा सर्वदा, मधुरया गिरा वल्ग विभाग्या, वैसे ही इस सुंदरी के वाणी से उसी प्रकार का रसास्वादन किशोरी जी को आने लगा। और तब वो रमणी कहने लगी, अरे सुवधने श्री राधे,
मैं स्वर्गवासिनी एक देवी हूँ, मैं स्वर्ग में रहती हूँ, और मैं व्याकुल चित्त से तुम्हारे पास क्यों आई हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं किसी विषय के बारे में तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। कई प्रश्न हैं, इसका उत्तर सिर्फ तुम ही दे सकती हो। प्रिया जी बोली, सुंदरी, तुमने जो स्वयं को एक देवी बोलकर परिचय दिया है, ये झूठ नहीं है। मैंने भी तुम्हें इससे पहले देवी ही कहा था, क्योंकि मृत्युलोक की नारी इतनी सुंदर नहीं हुआ करती, तुम्हारे तो रूप की तुलना नहीं। अनुपम रूपवती, तुम्हारी तुलना सिर्फ तुम ही हो। आहा, क्या बात है। तो हे शरद कमल आनने, शरद कमल के जिसका के जैसा जिसका मुख है, मैं तुमसे कई प्रश्न की कि क्या तुम पति से अलग हो गई हो, पति विरह तुम्हें सता रहा है, हाँ? लेकिन देखो, मैंने सिर्फ तुमसे परिहास किया था, परिहास के लिए इतने प्रश्न किए थे, आनंद ले रही थी, तो तुम मेरा कोई अपराध मत लेना। अब जब तुम बोलने लगी हो तो बोल ही दूँ। जब तुम मेरे प्रति इतनी स्नेहवती हो ही गई हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे प्रति बहुत स्नेहवती हूँ। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण अब बोलने लगे, अरे राधे, हे श्री राधे, तुम तो मेरी सखी हो, तुम क्यों इतनी संकुचित हो रही हो? मैं देवी होकर भी तुम्हारे अधीन हूं, ये विश्वास रखना। बात भी सही है, प्रिया जी के अधीन ही है श्याम सुंदर, है? तो अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि देवी तो हूं, दिख तो रही हूं, पर सत्य है कि मैं तुम्हारे ही अधीन हूं। कृष्णेर समस्त वासना वांछा राधिका ते रोय, तुम्हारा प्रेम रूपी और तुम्हारे तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा जो गुण का समुद्र है, तुम्हारे प्रेम का समुद्र राधे, तुम्हारे दिव्य गुणों का समुद्र, तुम्हारे प्रेम का समुद्र, उसका एक कण का अनुभव करके ही मेरे हृदय में हमेशा के लिए तुम्हारी दासी होने की वासना जागृत हो गई है। श्याम सुंदर बोल रहे हैं, हमराई किंकर, हमराई किंकर, सुना था ना, हमराई किंकर, दास करे राखो। अब तुम मेरे प्राण की बातें, मेरे हृदय की बातें बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि जिस कारण से मेरे हृदय में इतना दुख उत्पन्न हुआ है, इतने संशय उत्पन्न हुए हैं, इतने संदेह, उन संदेहों को, उन संशयों को तुम ही मिटा सकती हो। तो अभी तक जो तुमने मुझसे बातें कही श्री राधे, कितनी बातें कही, लेकिन उससे मेरा हृदय का जो संताप है वो जरा भी दूर नहीं हुआ। यानी जबरदस्त जल रहा है हृदय, बड़ा ही दुखी है हृदय मेरा। हे सखी, आप बोल रहे हैं, इस श्री वृंदावन में ये जो वंशी ध्वनि होती है, उसका जो पराक्रम है, वो हमारे स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करता है, और वो इतना प्रबल होता है राधे, कि वहाँ की जो साध्वी रमणियाँ हैं, वो अपने पतियों के कंठ का आलिंगन करना तो दूर, उसे स्मरण करके भी उन्हें घृणा हो जाती है, मात्र वंशी ध्वनि सुनकर। इतर राग विस्मारणम निणाम, है ना, समस्त जो राग हैं, समस्त जो आसक्तियां हैं, कृष्ण अतिरिक्त अन्य अभिलाषिता शून्य, वो सब समाप्त करने में
परम कुशल हैं श्याम सुंदर उनकी बंसी तो ये अगर स्वर्ग में भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब जगह होगा ही, और श्याम सुंदर तो जानते ही हैं। कहते हैं अर्थात तब निखिल जगतपति श्री कृष्ण के प्रति उनका चित्त आकृष्ट हो जाता है और अन्य प्राकृतिक स्वामियों के प्रति उनका मन जा ही नहीं पाता है, घृणित 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 है ना। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, गौरचंद्र तो और भी बड़ा रूप है, प्रिया और प्रियतम का एकत्र मिलन जहाँ सदा सर्वदा होता रहता है, गौरहरी। तो कह रही है कि अन्यत्र ये जो प्राकृतिक पति हैं, अब स्वर्ग में किस प्रकार की हड्डी मांस होती होगी हम तो नहीं जानते हैं, वहाँ तो कुछ तो दिव्यता है, हमसे तो बेहतर ही है, लेकिन यहाँ भी देखते हैं कि जो श्याम सुंदर की हो जाती हैं तो फिर वो अन्य किसी की नहीं हो पाती है रमणियाँ। ब्रज गोपियों की तो एक कथा है ही, ये बात है ही, पर किया भाव में तो पूरी तरह से है ना। तब उन्हें अपना घर बार सब कुछ बेकार लगता है, देह धर्म लोक धर्म समस्त धर्म वो हंसते हंसते त्याग देती हैं, पति धर्म आर्य धर्म वेद धर्म समस्त धर्मों का परित्याग श्याम सुंदर की बंसी करा देती है, मात्र बंसी। तो कहते हैं श्री कृष्ण संबंधी वस्तु मात्र का भी जब ऐसा सामर्थ्य है कि उस वस्तु मात्र से भी अगर किसी का बिंदु मात्र संबंध हुआ तो फिर उस प्राकृत वस्तु की भोग वासना वहां स्थान नहीं बना सकती है। बहुत सुंदर, श्री कृष्ण को तो दूर की बात है, अभी श्री कृष्ण से संबंध नहीं हुआ। श्री कृष्ण अगर किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, मानो उनकी माला ही गिर जाए, माला ही मिल जाए उसकी सुगंध, दिव्य सुगंध, वही प्राकृतिक वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न कर देगी, या उनकी कथा है? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये जो संसार दावानल में व्यक्ति तपा हुआ घूम रहा है उनकी कथा रूपी अमृत ही शांत कर देती है सब कुछ। अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाता है मन, नहीं हमें नहीं चाहिए। आप उनको ब्रह्मांड का स्वर्ग का कहीं का भी आधिपत्य दो, मना कर देते हैं हाथ जोड़ के, नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं, सो अलग होता है तो छोड़ देते हैं, भिखारी बनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं जानती हो वो जो वंशी ध्वनि है वो उसका प्रभाव कैसा है राधे? कैसा? अरे जो भयंकर विष होता है ना, हलाहल, हलाहल विष को पान किया था ना महादेव ने, हलाहल भयंकरतम विष होता है, वो विष और अमृत दोनों एक जगह मिल जाते हैं तो इतना मधुर हो जाता है, वो विष और अमृत एक जगह मिल जाते हैं, ऐसा चित्त में छेद करते हैं, वो चित्त के अंदर प्रवेश कर जाती है वो श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि। तो जानती हो जब हम उसे सुनती हैं तो लगता है कि अमृत का आस्वादन कर रहे हैं, इतना सुखद लगता है राधे। लेकिन बाद में श्री कृष्ण की अप्राप्ति के कारण कि कृष्ण नहीं मिले, ध्वनि सुनी पर कृष्ण नहीं मिले, इसलिए तीव्रतम दुख होता है जो विष जैसा यंत्रणा देता है, कष्ट देता है। और वो ध्वनि कर्ण में प्रवेश करने के साथ साथ ही देवांगना गण श्याम सुंदर को पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं और उसकी लालसा से वो कंदर्प महाज्वर से ऐसे मोह को प्राप्त होती हैं कि उनका शरीर जलते हुए अंगारे की तरह तपने लगता है। तो विष और अमृत, शरीर ही तपने लगता है, वो श्याम सुंदर को पाना चाहती हैं क्योंकि वंशी तो श्याम सुंदर के पास ही ले जाएगी। उस अवस्था में जब उनके पति उनके अंग का आलिंगन करते हैं तब वो कहते हैं
अरे ये क्या हुआ, तुमको महाज्वर हो गया है क्या? ये भयंकर बुखार हो गया है क्या? इतना जल रहा है तुम्हारा अंग। और ऐसे वितर्क करके वो शीघ्र ही उनका परित्याग कर देते हैं, वो इतनी जलन सह नहीं पाते हैं अपनी स्त्रियों की। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि का ही जब ये सामर्थ्य है कि श्रवण के संग संग ही श्रवणकारी के हृदय में श्री कृष्ण सहित मिलन वासना को इतनी जागृत कर देती है कि उसे व्याकुल कर देती है, ऐसी ध्वनि का आस्वादन मत्तता है। देखो, जानती हो हमारे स्वर्ग का एक नाम है त्रिदशालय। राधा रानी को श्याम सुंदर बता रहे हैं दिवांगना रूप में। हमारे स्वर्ग का एक अन्य नाम है त्रिदशालय, जहां तीन दशाएं रहती हैं। कौन सी? बाल्य, किशोर और यौवन। तीन दशा रहती हैं, पर बुढ़ापा किसी को नहीं आता। वहां बुढ़ापा किसी को नहीं आता, इसलिए वहां कोई भी रमणी वृद्धा नहीं है। इसलिए वंशी ध्वनि सुनते ही समस्त स्त्रियों की यही दशा हो जाती है जो मैं तुम्हें बता रही हूं। इसलिए कौन तो किसका तिरस्कार करेगा, कौन किसका उपहास करेगा, सबकी एक ही दशा है। अब यहां जटिला जी की दशा नहीं हो रही है वैसी, वो बूढ़ी हो गई हैं। वो श्याम सुंदर यही बता रहे हैं कि वंशी ध्वनि में जितनी ब्रज नारियां हैं उनकी दशा तो ऐसी है, लेकिन जो वृद्ध हैं उनकी दशा वैसी नहीं है। मरते लोग हैं भाई यहाँ पे, ऐसी लीला चल रही है। लेकिन जो स्वर्ग है वहाँ बस तीन ही दशाएं रहती हैं, वहाँ बुढ़ापा नहीं है। तो यहाँ पर तो जटिला जी तिरस्कार कर देंगी, प्रिया जी को देखेंगी, अरे वंशी ध्वनि सुनकर ऐसा उन्माद, ये क्या हो रहा है। प्रिया जी को बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है अपने भावों को गुप्त रखने के लिए। समस्त ब्रज बालाओं की यही हालत है, ये क्या हो रहा है। लेकिन वहां तो बुढ़ापा है ही नहीं, तो सबकी एक ही जैसी हालत, कौन किसका तिरस्कार करेगा। सबके सब कृष्ण की वंशी को सुनकर के उन्मत्त हो जाते हैं, सबके सब श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर उन्मत्त प्रमत्त हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कृष्ण की मुरली का जो शब्द है, उसने समस्त नारियों के सतित्व का ध्वंस कर दिया, सतित्व धर्म का नाश कर दिया और सबको ही पराजित कर दिया है, सब हारी हुई हैं। इस प्रकार जब प्रतिदिन ये वंशी ध्वनि स्वर्ग की देवियों के ऊपर अपना अप्रतिहत प्रभाव विस्तार करने के लिए प्रवृत्त होने लगी, तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि हाय हाय, ये कैसा शब्द है, ये शब्द कहाँ से आ रहा है और ये शब्द किसका है। ये विचार करते हुए, इस वंशी ध्वनि का अनुसरण करते हुए मैं स्वर्ग से भूमि मंडल पर आ गई और कुछ दिन तक मैंने वंशीवट में सुख से वास किया है। अब मैं तुम्हारे साथ श्री कृष्ण की ये जितनी विविध अतुलनीय लीला विलास आदि हैं, वो मैंने अपने आंखों से देख लिया। तुम जिस प्रकार श्याम सुंदर से मिलती हो, श्याम सुंदर से मिलन करती हो, विलास करती हो, अभिसार करती हो, सब देख लिया। और मैंने उनकी अन्य कांताओं के साथ भी उनके मिलन को देख लिया, उनकी अन्य प्रिय सखियां भी देख ली, तुमको भी देखा और उनकी अन्य सखियों को भी देख लिया। देवी रूपी श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर श्री राधा परिहास युक्त सुमधुर स्वर से बोलने लगी, हंसने लगी और बोल रही, अरे धन्य, स्वर्गपुरी में तुम्ही को मैंने सोच लिया था, तुम्ही उत्कृष्ट चतुरा हो, क्योंकि श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा में स्वर्ग की स्त्रियों के मन में कोई स्थिरता नहीं है, सर्वदा ही विषम भाव में वो यंत्रणा भोग कर रही हैं।
इसलिए उनका मन बड़ा सुंदर है, है ना, सुमना है, सुमना, स्वर्ग की सारी स्त्रियां सुमना है, क्योंकि उनका मन कहाँ गया, श्याम सुंदर की तरफ गया। और मन कहाँ जाना चाहिए, गोविंद की तरफ जाना चाहिए। मन कहाँ नहीं जाना चाहिए, गोविंद विमुख कुछ भी है वो असत्य है, गोविंद विमुख जो भी है वो असत्य है, वो माया है। अगर मन गोविंद से विमुख होकर के कहीं भी जाता है, धर्म में, कर्म में, है, इसकी सेवा उसकी सेवा, इसका हित उसका हित, सब असत्य माया है। गोविंद के अलावा सब माया है। असत्य रे सत्य को रे मानी, है ना। तो इसीलिए जिनका मन उधर जाता है वो है कुमना, जिनका मन कृष्ण की तरफ भागता है वंशी ध्वनि सुन करके या कृष्ण कथा सुन करके, वो है सुमना। सुमना सुमना है क्योंकि उत्कंठा रूपी खड़ग के द्वारा, तलवार के द्वारा उनकी इंद्रियां एकदम घायल हो गई हैं, श्याम सुंदर को पाने की उत्कंठा। तो ऐसे में तो कोई उन्हें कुमना बोल सकता है, लेकिन वो है सुमना, क्योंकि गोविंद की तरफ जा रही हैं, प्रिया जी बोल रही हैं, है ना। उनका मन बड़ा ही सुंदर है, लेकिन लेकिन उनका ये नाम उन्हें दिया नहीं जा सकता कि वो सुमना है, क्योंकि वो स्थिर बैठी हुई है, यहां आई नहीं। कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं पर वो अभी भी स्वर्ग में हैं। उन्होंने कृष्ण की प्राप्ति के लिए पहला कदम बढ़ाया नहीं, यहां नहीं आई, भूमंडल पर अवतरित नहीं हुई। सिर्फ तुम हुई हो, तुम हो सुमना। उनका नाम अभी सुमना कहना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि भाई कृष्ण कथा सुन ली लेकिन भजन करने के लिए तो आए नहीं आगे। कृष्ण कथा सुन ली, अच्छा भी लगा, लालसा भी उत्पन्न हुई, पर दुनिया भर के काम हमारे को सताते हैं, वो पहले कर लूं, पहले ये, पहले वो, पहले वो। तो वो सुमना नहीं है। सुमना कौन है? वो जिसने ये निर्णय ले लिया कि कृष्ण कथा सुनते सुनते उनका हृदय ऐसा लालसा युक्त हुआ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, युगल सरकार को प्राप्त करने के लिए, कि वो दौड़ चला वृंदावन, वो दौड़ चला ठाकुर जी की तरफ। तो तुम धन्या हो, क्योंकि तुम अपनी उत्कंठा की निवृत्ति के लिए यहां आई हो, अन्यथा तुम्हें भी मैं सुमना नहीं कह पाती, तुम ही सुमना हो। श्री राधा रानी के इस मधुर परिहास वाक्य को सुनने के बाद देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण मधुर हास्य कांति द्वारा अपने अधर होस्ट को धोते धोते मंद मंद भोहों को चलाते चलाते बोले, राधे पर नारी को अपनी तरह मत समझना, जो पराई स्त्री है उसे अपनी तरह मत समझ लेना, अर्थात जैसे तुम पर पुरुष श्री कृष्ण में आसक्त हुई हो ना, है? अपने पति वगैरह को सबको छोड़ छाड़ के तुम जो है उस रूप में मुझे मत समझ लेना। तुम ये मत सोचना कि वो परपुरुष श्री कृष्ण मुझे देख पाएगा, परपुरुष श्री कृष्ण। अब देखिए, पर नारी को अपनी तरह मत समझ लेना, तुम जिस तरह परपुरुष श्री कृष्ण में आसक्ता हुई हो इस तरह मुझे मत समझ लेना। तुम्हें क्या लगता है यहां परपुरुष कृष्ण क्या मुझे देख पाएगा? तुम देख पा रही हो वो बात अलग है, वो इतना उसका इतना अधिकार मुझे देख पाएगा। प्रिया जी बोली, देखो तुम जिसके लिए यहां पर आई हो उस श्री कृष्ण के विलास को तुमने निवृत्त में अनुभव कर भी लिया है, अतः अब तुम्हारे लिए पर पुरुष का प्रयोजन कहां रहा? जो भी हो अगर तुम बताना चाहो तो ये बताओ, तुम क्या पूछने के लिए यहाँ आई हो? इतनी बातें तो कर ली, ये तो बताओ जानना क्या चाहती हो मुझसे? तो अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो परिहास किया, मजाक किया, वो तुम्हें अपने सखी समझ के किया, तो उसका अपराध मत लेना। देखो प्रिया जी बड़ी ना महादीन है,
और जो भक्त है उसका एक लक्षण ये होता है कि वो बड़ा दीन होता है। अगर दीनता नहीं है तो वो भक्त नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत दीन होते हैं मगर फिर वो क्रूरता की तरह दिखते हैं, वो क्रूर दिखते हैं, क्रूर व्यवहार करते हैं। क्यों? ताकि उनके भजन में कोई बाधा ना आए। तो वो अपने भजन की बाधाओं को हटाने के लिए हट 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 भी बोलते रहते हैं। तो सोचना ये भी फूल झड़ रहे हैं, भैया बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं कौन कहाँ तक गया हुआ है, कितने अंदर तक गया है। तो ये मत समझना अरे हमें स्त्री समझ के भगा दिया, अरे वो खुद स्त्री भाव में डूबे पड़े बेचारे। तो अब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण कहने लगे, सखी तुम परिहास कर रही हो, परिहास में तुम्हें कौन हरा सकता है भला, तुम ही जीतोगी। हे राधे देखो तुम मेरी सखी हो ये तो बड़ी सामान्य बात है, लेकिन तुम मेरी प्राण जैसी प्रियतमा हो यही विशेष बात है। अब श्याम सुंदर की तो प्राण जैसी प्रियतमा है ही राधा रानी। तुम स्त्री हो, मानुषी हो, मानवी हो, है ना, नर्वत लीला चल रही है, हमेशा याद रखिए नर्वत लीला ही में जो है इतनी भाव वैचित्री होती है, इतनी रस वैचित्री होती है, जिसका आस्वादन महाजन किया करते हैं और उसका गान करते हैं। तुम मानुषी हो सत्य है, लेकिन देव वधुओं को भी तुम पवित्र कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है, और हम तुम्हारी गुण कथा राशि को झुक करके प्रणाम करती हैं, तुम्हारे अंदर इतने दिव्य गुण हैं। जार गुणेर कृष्णा पान क्या बोला, जिनके गुणों का श्री कृष्ण कोई सीमा नहीं पाते हैं, हैं? तार गुण गणवे जीव, मैं भूल रही हूँ कि उसके गुण जो हैं वो जीव गिन पाएगा, प्रिया जी के गुणों को जीव गिन पाएगा, जीव कौन चार वो गिन नहीं सकता है कभी भी, है? जार गुणेर सीमा कृष्णा पान पार, जो श्यामा जी के जो गुण हैं दिव्य गुण वो अनंत हैं। श्याम सुंदर उन गुणों को जानने के लिए तो गौर हुए हैं, ये प्रेम क्या है, ये प्रेम से ही तो गुण उत्पन्न हुए हैं, ये महाभाव ही से तो सारे दिव्य गुण उत्पन्न हुए हैं, वो मानवी थोड़ी ना है, वो तो महाभाव स्वरूप नहीं है। तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि यद्यपि श्री राधिका लीला रस आस्वादन की लालसा में मानवी रूप में प्रकट विहार कर रही हैं, तथापि तत्वतः वो साधारण स्त्री नहीं है, मानवी नहीं है, वो अनंत श्री भगवत अवतार के मूल अवतारी श्री भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति स्वरूपणी है। शक्ति के बिना कोई शक्तिमान कहलाएगा क्या? और शक्तिमान को ही सब पूछते हैं, शक्ति विहीन को तो कोई नहीं पूछता। तो श्याम सुंदर की जो पूर्ण शक्ति है, जो स्वयं भगवान है, वो है श्री राधा, परंतु ऐसा लीला रस का आस्वादन कर रही हैं कि स्वयं को मानवी मान बैठी हैं। श्याम सुंदर भी उन्हें उस लीला रस में कहाँ भंग करेंगे, वो भी खुद को मानवी मानते हैं, पर यहाँ पर देवांगना रूप में आए हुए हैं तो बोल रहे हैं तुम मानवी हो, लेकिन तो भी हम तुम्हारे दिव्य गुणों को प्रणाम करते हैं। इसलिए श्री राधिका के गुण कथा को जो देव वधु गण भी प्रणाम करती हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो श्याम सुंदर की पूर्ण शक्ति है। श्रीमद्भागवतम के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में क्षीरोदशाई श्री अनिरुद्ध के वाक्य अनुसार श्री ब्रह्मा भी असुर भाव में प्रपीड़िता गोपधारणी गोरूपधारणी, यानी क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला, ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णन आया कि जब पृथ्वी जी पर, है ना, पृथ्वी पर खूब आतंक हो गया असुरों का, तो वो पीड़ित हो गई, उन्होंने गैया का रूप धारण किया और वो चली गई ब्रह्मा जी के पास। तब फिर क्या हुआ, तब ब्रह्मा जी ने समस्त देवतागण जो कि क्षीर समुद्र के तट पर आ गए थे, ब्रह्मा जी ही हैं जो कि महाविष्णु जी के दर्शन करते हैं और क्षीरोदशाई विष्णु जी के दर्शन करते हैं, तो उन्होंने बताया समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी ने
कि मुझे पता चला है कि स्वयं भगवान आ रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रसंग में बोला, क्या बोला? तत्प्रियार्थम संभवत्वमश्रिय, अर्थात अमर स्त्रीगण श्री कृष्ण की प्रिया वर्ग की दासी होने के लिए जन्म ग्रहण करें। जितनी भी देवियां हैं वो कृष्ण प्रियाओं की, यानी कृष्ण की जो गोपियां बनेंगी उनकी दासियों का काम भी तो कोई करेगा। तो जितनी भी स्वर्ग की देवियां हैं आप लोग जाओ, देव कन्याओं आप लोग जाओ, जो गोपियां होंगी उनकी दासियों का काम आप ही को करना है, आप जाके वहां जन्म ग्रहण करो। ये श्रीमद् भागवतम में आया है। इसलिए दासी योग्य देव वधुओं का प्रिया जी को प्रणाम अनुचित नहीं है, अयौक्तिक नहीं है, पूर्ण युक्तिपूर्ण है, अच्छी तरह से युक्तिपूर्ण है। यही अक्ल का काम उन्होंने किया है। ये हमारे श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद बता रहे हैं। तब उन्होंने कहा, सखी मैं तुमसे ये अतिरंजित बात नहीं कह रही हूं, मैं तुम्हारे प्रति परिहास नहीं कर रही हूं, तुम लज्जिता मत होना। श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि अपने सुंदर सुंदर ये बात सुनकर कि हम लोग तुम्हें प्रणाम करती हैं, ये सोच करके तुम इतना लज्जित मत हो कि हमें स्वर्ग की देवियां भी प्रणाम करती हैं। देखो मैं कभी भी ना झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे, तुमने मुझे अपनी सखी कहा है ना, कभी तुमसे मिथ्या बात नहीं कहूंगी। समुद्र कन्या लक्ष्मी और पार्वती तक सौंदर्य और सौभाग्य गुण में तुम्हारी जैसी नहीं है। इस प्रकार की बात श्री चैतन्य चरितामृत में श्री गौर सुंदर के प्रश्न के उत्तर में श्री रामानंद राय जी ने भी कहा है। गौर सुंदर ने जब कहा प्रिया जी के गुण बताओ राधा तत्व, तो श्री रामानंद राय विशाखा सखी हैं तो बता रहे हैं, जहार सौभाग्य गुण, देखो ये चीज है यहां पर आया, जहार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, जार ठाई कला विलास सीखे ब्रजरामा, जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पातिव्रता धर्म पतिव्रता धर्म वांछे अरुणधति, जार सद गुण गणेर कृष्ण ना पान पार, तार गुण गणिवे कैमुने जीव छार। आहा, बहुत सुंदर। जिनके सौभाग्य रूपी गुण को सत्य भामा भी चाहती हैं, श्याम सुंदर जिन प्रिया जी का नाम हमेशा जपते रहते हैं जपते रहते हैं जपते रहते हैं, जिनके चरणों में लोटपोट लगाते हैं, जिनका मान दूर करने के लिए श्याम सुंदर क्या क्या जतन नहीं करते हैं, और हृदय से, मतलब उनका हृदय बड़ा ही कष्ट पाता है प्रिया जी के बिना, और सत्य भामा जी को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सत्य भामा जी मान कर लेती हैं तो जो है वासुदेव जी कहते हैं कि वो जो है ना वो उसको उसके घर भेज दो। वो क्या सोच रही है, वो मान करेगी मैं मनाऊंगा। सत्य भामा जी के बहुत माननीय हैं, लेकिन सत्य भामा जी का मान को उस तरह से नहीं भंग करते हैं श्याम सुंदर। उनके मान में वो रस नहीं पाते हैं जो प्रिया जी के मान में रस है। तो उन तो सत्य भामा सोचती है ना, राधा रानी में जो गुण है, सौभाग्यवती कितनी है कि श्याम सुंदर कितना चाहते हैं और मैं इतनी सुंदर हूँ, मगर ऐसा मुझे प्रीति प्राप्त नहीं हुई है श्याम सुंदर की। जार ठाई कला विलास सीखे ब्रजरामा, ये जितनी भी ब्रज गोपियाँ हैं वो कृष्ण को अपने वश में कैसे कर सकती हैं, कृष्ण उनके वशीभूत कैसे होते हैं उनके प्रीति के, क्योंकि कैसे वश में करना है, क्या कला विलास है, श्याम सुंदर को प्रसन्न कैसे करना है, उन्हें सुख कैसे देना है, समस्त कला विलास पंडित हैं प्रियाजू, और उनसे इन कला विलास का शिक्षण लेती हैं ये सारी ब्रजरामाएं जो स्वयं प्रिया जी की ही कायव्यू स्वरूपा हैं। जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, लक्ष्मी जी भी ऐसी सुंदर नहीं है और पार्वती जी भी ऐसी सुंदर नहीं है जैसी सुंदरता हमारी प्यारी प्रिया जी में है। जार सदगुण गणेर कृष्ण ना पान पार, कृष्ण भाई कृष्ण स्वयं भगवान, उनके ऊपर कोई हो सकता है भला, कोई नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अनादिर आदिर गोविंदा भी कहते हैं,
राधिकार प्रेम गुरु अमि शिष्य नट, राधा रानी का प्रेम गुरु है और मैं तो शिष्य हूँ, अपना शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं, प्रिया जी को गुरुत्व प्रदान करते हैं, वही गुरु है मेरी हा? तो वो भी नहीं पा सकते हैं पार, इनके इतने सद्गुण हैं, तो हम जैसे जीव भला उनके सद्गुणों को क्या गिनेंगे। रामानंद राय जी खुद को कह रहे हैं, और हम लोग तो खैर कहीं किसी गिनती में नहीं आते, रामानंद राय जी जो कि महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं वो ऐसा कह रहे हैं। तो इस प्यार में ये दिखाया गया है कि श्री लक्ष्मी और पार्वती जी भी श्री राधा रानी के सौंदर्य आदि गुण की प्रार्थना करती हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी चरण भी उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में कृष्ण वल्लभा प्रकरण में उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि ब्रज सुंदरियाँ रागोल्लास वशतः आर्यपत अतिक्रम करी हैं, तथापि अरुणधति आदि सती रमणी गण परम श्रद्धा के साथ उनके आचरण की वंदना करती हैं। ये वनवासिनी होकर भी अपने माधुर्य परिमाण के द्वारा वैकुंठ के अधीश्वरी श्री लक्ष्मी जी की शोभा को तिरस्कृत करती हैं। इस तरह त्रिजगत विलक्षण श्री कृष्ण वल्लभागण अपना सुख विधान करें। आहा, यानी कि ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के प्रेम के उल्लास में, ब्रज सुंदरियों ने क्या किया है जिससे कृष्ण बोलने लगे कि हम तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकते हैं। जो आर्यपद, जो आर्य धर्म, जो पातिवृत्य धर्म, जो सती धर्म का तिरस्कार करना एक स्त्री के लिए अत्यंत असंभव है। गुरुदेव कहते हैं कि स्त्रियां अग्नि में कूदना पसंद करती हैं पर अपने सतीत्व को वो छोड़ नहीं सकती हैं। ऐसे सतीत्व को भी तिलांजलि दे दी श्री कृष्ण के प्रेम के उल्लास में इन ब्रज गोपिकाओं ने, तिलांजलि दे दी। कितना अपमान होगा, कितना उपहास होगा, समस्त दुख को भी उन्होंने सुख समझ लिया, कृष्ण सुख के लिए, श्री कृष्ण सुख के लिए। तो अरुणधति जी हैं, उन्हें परम सती कहा जाता है, पर ऐसी सतियां भी परम श्रद्धा के साथ इन्हीं का भजन करती हैं, ब्रज गोपिकाओं का भजन करती हैं कि इनका सतीत्व देखिए, कृष्ण प्रेम देखिए। अरे कोई हाड़ मास के पति के प्रति अपना सतीत्व दिखाए हैं और कहे कि मैं तो बड़ी सती स्त्री हूं, मुझे कृष्ण की तरफ नहीं देखना, उसे शास्त्र कहते हैं महामूर्खा, मूर्खाधिपति, तू मूर्ख है, ये हाड़ मांस मूछ और ये नौ छेद वाले आदमी, चलते फिरते मल ढोने वाला है, मलिन व्यक्ति, इसके प्रति तुम ये भाव रखते हो कि ये मेरा देवता है, ये मेरा परमेश्वर है, तू पागल है क्या? और ठाकुर जी के लिए ये कहती है कि अरे पति के होते हुए उसको कैसे देखूंगी, उसकी तरफ नहीं आऊंगी। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया है जहां पर यह बोला गया है, स्वजन न स्यात, है ना, पतिश्च न स्यात, जो अपने आश्रित जनों का मृत्यु पथ से उद्धार नहीं करता है उसे पति कहलाने का अधिकार नहीं है, स्वजन कहलाने का अधिकार नहीं है, पिता कहलाने का अधिकार नहीं है, देवता कहलाने का अधिकार नहीं है, जननी कहलाने का अधिकार नहीं है, रिश्तेदार कहलाने का अधिकार नहीं है, मतलब गुरु कहलाने का अधिकार है। स्वजनो न स्याद गुरु न स्याद ना मोचिए दिया समुपेत मृत्यु, हैं बताओ, वो कुछ कहलाने का ही अधिकार नहीं है, तुम अधिकार ही नहीं हो, कैसे बोल देते हो मैं तुम्हारा पति हूँ? अरे पति हो तो कृष्ण भजन दो, तब तो तुम पति हो, अगर तुम कृष्ण भजन नहीं दे सकते तो तुम क्या हो, कुमति हो, कुमति, कुसंग हो, कुसंग। तो ऐसा पति अगर कृष्ण भजन के लिए, जो कि कृष्ण भजन से विमुख है, तुम्हें तुम्हारे अंदर विमुखता डालता है, तुम्हें खींचता है, तुम्हें अगर उसे छोड़ भी दें तो हमारे शास्त्र उसे मना नहीं करते हैं, उसे कहते हैं वाह 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 साधु 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 कहते हैं। अरुणधति भी उनका, अरुणधति जी जैसी सतियां भी उनके चरण का धोवन लेती हैं, ब्रज गोपिकाओं के चरणों का धोवन चाहती हैं वो भी, उनके आचरण की वंदना करती हैं कि इन्होंने वनवासिनी होकर भी अपने माधुर्य के द्वारा
वैकुंठ की अधीश्वरी लक्ष्मी जी की शोभा तक को भी तिरस्कृत किया है, क्योंकि यहाँ पर महाभाव से उत्पन्न सौंदर्य है और लक्ष्मी जी में तो महाभाव नहीं है। महाभाव से उत्थित सौंदर्य श्याम सुंदर को आकर्षित करता है ना। तो इस श्लोक में भी ये बताया गया है कि श्री राधा रानी के माधुर्य के निकट श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य तिरस्कृत है। कारण श्री राधिका का तत्व यही है कि श्री कृष्ण की अनंत शक्ति वर्ग के अंदर चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति प्रधान है। चित शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति, माया शक्ति बहिरंगा है और जीव शक्ति तटस्था है, और इन तीन शक्तियों के मध्य भी अंतरंगा स्वरूप शक्ति प्रधान है। और सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति तीन भागों में विभक्त हो सकती है, जो कि आनंद अंश में आह्लादनी है, सत अंश में जो है संदनी है, और चित अंश में जो है वो संवित है यानी ज्ञान है। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों का आह्लाद करते हैं, उनको सुख देते हैं, और जो कृष्ण को सुख देती है वो है आह्लादनी शक्ति, और उन्हीं के सार अंश का नाम है प्रेम। और वही प्रेम जो जब अपने उत्कृष्ट रूप को प्राप्त करता है, अधिरूढ़ महाभाव तक जाता है, जहाँ तक स्वसंवेद्य दशा, स्वसंवेद्य दशा गुरुदेव कहते हैं, वो प्राप्त कर लेता है, जहाँ सिर्फ अनुराग रह जाता है, अनुराग अनुराग को ही अनुभव करता है, अनुराग अनुराग को ही आकर्षित करता है, स्वसंवेद्य दशा, वो जो दशा है महाभाव की दशा है, वो प्रिया जी की दशा है, और वो फिर मादनाख्या महाभाव, फिर मोहनाख्या महाभाव सिर्फ और सिर्फ किशोरी जी में है। तो ऐसे प्रेम का परम सार महाभाव और श्री राधिका महाभाव से बनी हुई है, उनमें महाभाव नहीं है, अंग प्रत्यंग महाभाव से बना हुआ है। श्री राधा तत्व समझना होगा, नहीं तो कैसे राधा दास्यम की बात करेंगे। अंग प्रत्यंग महाभाव से बना हुआ है, उनके ये जो हस्तकमल हैं तो वो ये हमारी तरह हड्डी मांस से थोड़े ना बने हुए हैं, महाभाव से बना हुआ है। तो जिस प्रकार मूल अवतारी श्री कृष्ण से अनंत भगवत अवतार गणों का आविर्भाव है, इसी प्रकार श्री राधा रानी से ब्रज की समस्त गोपियाँ और द्वारिका आदि की समस्त श्री कृष्ण की महिषियाँ और निखिल भगवत धाम की लक्ष्मियाँ, ये सब श्री कृष्ण कांताओं का विस्तार प्रिया जी से ही होता है, किशोरी जी से होता है, वही मूल है, वही सबकी मूल अंशनी है। इसीलिए कविराज गोस्वामी जी बृहद गौतमीय तंत्र में जो बात कही गई है उसे कहते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति ही सम्मोहिनी परा। परा बोला गया अंत में, परा यानी कि प्रिया जी से ऊपर कोई नहीं है। तो ये प्रिया जी से ऊपर कोई नहीं है, कैसे प्रिया जी जो है सर्वोच्च तत्व हैं और कैसे श्याम सुंदर को आकर्षित करती हैं, ये सब हम लोग जानेंगे, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा। तो इसी के साथ आज की भागवती कथा किंतु यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु नित्याय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।